गाइस यहाँ शेर घूम रहा है आसपास, देखो आपको साउंड आ रहा होगा। ओए चलो मुझे लेके जल्दी चलो। अगर आप लोग प्लान करो नैनीताल आने का, माँ की कसम कभी मत आना इसकी माँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आई हो बढ़िया होगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग पता, हर संडे मेरा ब्लॉग आता है। इस संडे भी कुछ मजेदार ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ नैनीताल एक दिन के लिए घूमने, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उससे मिलवाता हूँ आपको, ठीक है। तो हम दो बंदे घूमने आए थे नैनीताल, सोचा आप लोगों को भी घुमा दिया जाए। तो चलो चलते फिर बाहर, देखते हैं कैसे जाते हैं। स्कूटी रेंट पे लेनी पड़ेगी या फिर गाड़ी करता हूँ, वो बाहर जाके पता चलेगा। अभी बस रेडी हो रहे थे हम, रेडी वेडी होके बैठ चुके हैं। फिर बाहर जाके बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है। और यहाँ पर वेदर ठीक है, मतलब अपना दिल्ली में जो होता है ना हीट वेव्स बहुत गंदा वाला, इतना नहीं है, 30 के प्लस रहता है, ऊपर नहीं जाता, 30 रहता है बस, 30 से नीचे रात में हो जाता बस। गाइस होटल से बाहर आ चुके हम, और ये सामने लेके जहाँ वोटिंग वगैरह हो रही है, और हमने सुबह कर ली थी वो दिखाने पाया आपको, सॉरी। और आज मेरे साथ है बहुत बड़ी हस्ती। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? स्वागत है मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो ये लड़की मेरे साथ आई है, हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? अभी पता नहीं। नहीं पता, पता करो फिर जल्दी से बताओ हम जा रहे हैं। आप बताओ तो चल लेंगे। हम सोच रहे हैं स्कूटी ले ले या फिर टैक्सी ले ले रेंट पे, समझ नहीं आ रहा कुछ अभी। थोड़ा सा घूम रहे हैं, यहाँ पर काफी ओवर क्राउड है इधर सारे होटल पे, काफी मजा आने वाला है। गाइस फाइनली हमने गाड़ी ले ली और हम निकल चुके घूमने के लिए। आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, ये वाली गाड़ी ली मैंने एवेंजर्स, और ये दोस्त मेरा साथ जा रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा हमें कहाँ जाना चाहिए, लोकेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और हम अब मैप खोलने वाले हैं, मैप से सीधा जा रहे हैं बढ़िया सी लोकेशन पे कोई, फिर उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्यू, ठीक है। चलो बने रहो। गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए, बट हॉर्स को और साथ में गर्मी को देखकर हमारा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि हम हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में हॉर्स हमें इतने ऊपर पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग कर लेकर जाएंगे, उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको स्किप करा और हम आगे के लिए चल दिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रैफिक से हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि धूप ऊपर से बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमें कब्रिस्तान के सामने, वो भी मुस्लिम वाले, नहीं नहीं ये तो क्रिश्चियन है, आगे मुस्लिम वाला है, हम बीच में रुक गए, शायद हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना, बस पागल की तरह घूम रहे हैं। गंदा वाला गर्मी इतनी हो रही, क्या बताओ, और सामने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ ना, देखो हम कब्रिस्तान चले जाएंगे भाई। नैनीताल कभी मत आना, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत गंदी चीज, बहुत गंदी जगह, बहुत ज्यादा गंदी। अभी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो यहाँ की बहुत घटिया चीज, जैसे कि होटल्स हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ मुस्लिम वाला कब्रिस्तान, दोस्तों गर्मी से ये लड़की हो चुकी है पागल, इसलिए उल्टा सीधा बोले जा रही है, तो इसको करते इग्नोर और हम चलते हैं सीधा किसी अच्छी लोकेशन पर। और यहाँ पर आप रोड देख सकते हो, काफी प्यारे बना रखे हैं। गाइस हम रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस तरफ कब्रिस्तान है, और हमें किसी ने पागल बना दिया, ऊपर से 1000 रुपए की बाइक चिपका दी ने, और कहता कि ना पुदीने वाला बढ़िया है, पुदीने वाली की ज्यादा आवाज आ रही है। सिकंजी पीने के लिए रुक गए हम, गंदा वाला मेरा सिकंजी, सिकंजी के नाम पे नींबू पानी दे रहे, टेस्ट लेके देखते हैं कैसा लग रहा है। उधर से कैसे बोतल टांग रखी है, क्या मतलब है इसका, आई डोंट नो, कोई तो मतलब होगा, पता नहीं। अरे भीड़ देखो गाइस, 50 रुपए का एक नींबू पानी, समझो एक बंदे ने 10 मंगाए, 500 रुपये तो आराम से, 500 रुपये होते हैं मैडम। अरे 150 रुपये किलो बताओ अंकल, आप बहुत अमीर हो, ऊपर से लोडिंग भी है उसमें, तभी तो कह रही हो आप भी तो अमीर हो यहाँ पर। गाइस पूरा एक घंटा घूमने के बाद हमें थोड़ा सा व्यू दिखाया, मैं दिखाया तो आपको शायद दिखेगा नहीं दिखेगा, काफी धुंध सी हो रखी है, धूल सी है, देखो कुछ क्लियर नहीं है, फॉग बहुत ज्यादा हो रखा है, काफी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, धूप आ रही जा रही है, धूप में घूमोगे तो गर्मी लगेगी, वैसे छाव में नहीं खड़े हो जाओगे ना, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मजा आ रहा है, और रात में तो थोड़ी थोड़ी ठंड सी लगने लगती है बाहर घूमोगे तो। क्यों तुम्हें रात में फील हो रही है? हाँ मैं बाहर घूमा था ना, मेरे को ठंड सी लग रही थोड़ी थोड़ी, अकेले रहना चलो। और इधर भाई यहाँ पर पॉइंट वगैरह बना रखे, मैगी पॉइंट वगैरह खाने के लिए, बढ़िया ही हमारा हेलमेट कैप बैग टांग रखा अपने पेड़ पर। अब यहाँ पर हम फोटो क्लिक करेंगे थोड़ी अच्छी अच्छी, ठीक है मैम? ठीक है गाइज, नैनीताल हो गए तो देख लो भाई, इस टाइप के व्यू देखने मिलेंगे, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, और व्यू तो है थोड़े सुंदर सुंदर,
पहाड़ भी ज्यादा ऊंचे नहीं है, मतलब मनाली से तो काफी छोटे छोटे पहाड़ है यहाँ पर। ठीक है गाइस, थोड़ा सा घूमने के बाद अब हम निकल रहे हैं दूसरी जगह घूमने के लिए। यहाँ पर कुछ खास मजा तो नहीं आया, मेरी गाड़ी अब सीट इतनी गर्म हो गई होगी ना, आपको पता क्या हाल होने वाला है। तो अब चलते हैं सीधा किसी और व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर कुछ खास घूमने के लिए तो नहीं है, बट हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं हिमालय व्यू पॉइंट। सुनने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हिमालय सामने दिख रहा होगा हमारे, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेलीस्कोप में दिखाते हैं और इसका टिकट लेना पड़ता तभी ये दिखाएंगे हमें। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ रुकना और देखना, क्योंकि हमें तो देखना नहीं है। तो हम चलते हैं अब सीधा आगे की ओर और देखते हैं प्यारी सी जगह जहाँ आप लोगों को सुंदर सुंदर व्यू दिखा सकूं, बट ऐसा मुश्किल है। गाइज मैंने लोकेशन डाली थी हिडन वाटरफॉल की और हमारी लोकेशन ऊपर खत्म हो गई थी। वो लड़की ऊपर बैठी है, अब शायद नीचे होगा। क्या आ रहा हूँ, मेरे को अभी नीचे जाना पड़ रहा, देखता हूँ नीचे वाटरफॉल है कि नहीं है। हिडन है वो जंगलों में बहुत ज्यादा। गाइज इतने नीचे जाने के बाद ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो रही है, कुछ नहीं दिखा। शायद वो हिडन वाटरफॉल बारिश में ही होता होगा, अभी तो कुछ नहीं पता। और लोग भी देख रहे हैं तो मिल नहीं रहा और लोकेशन से कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। गाइज पूरे 3 घंटे बेकार करने के बाद अब हम एक कैफे में आए, कुछ खाने के लिए भूख लग रही है क्योंकि हम चारों तरफ घूम लिए। आपने देखा होगा कुछ ढंग का था नहीं, वाटरफॉल वगैरह देखा नहीं मिला, वो हिडन वाटरफॉल था। अब खा रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक वो बना रखा है टिकट वगैरह लेकर अंदर एंट्री करा पे कैब वगैरह, वहाँ चलते वहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें क्या मिलता है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो पागल हो चुका हूँ भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। नैनीताल मत आना कभी भी, ठीक है। अब जाते गुफा के अंदर, यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही बहुत ज़्यादा, यहाँ बना रखी है गुफा तगड़ी तगड़ी, पागल है क्या। फ्री थोड़ी है आना। गाइस यहाँ शेर खोल रखा है, देखो शेर का साउंड आ रहा है। चल अंदर, इसके अंदर शेर है क्या। स्पीकर लगा रखा है, शेर का साउंड बज रहा है इसके अंदर। चल जल्दी चल नीचे, ये गुफा है भाई, पागल हो रहे हैं लोग गुफा के अंदर। अब हेलमेट रख के आ जाते हैं, हम बैग भी रख कर आ जाते हैं वहाँ पर, पागल है। ये लो ओ भाई, यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो अगर ये चट्टान टूट गई तो कोई नहीं बचेगा, काफ़ी खतरनाक है। आते जा, तुम मिट्टी की बन रखी है क्या, इसलिए मैं खुद हाथ से बनाई है। लाइट लगा रखी है बिल्ली। रास्ते तो ऐसे बना रखे। आ जाइए आ जा गुफा के मजे। ये गुफा है, गुफा नैनीताल की सबसे बढ़िया जगह। हाँ इधर से बाहर होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है मेरी, नैनीताल आया हूँ मैं। नहीं गुफा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नैनीताल आ गया ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ये बाहर का रास्ता, उधर से घुसे और इधर से बाहर निकल रहे हैं। वो भाई सर में निकल गए, माइंड योर हेड। पैंथर केव, ये पैंथर केव है, इसके अंदर बहुत सारे पैंथर हैं। गाइस यहाँ शेर घूम रहा है आसपास, देखो आपको साउंड आ रहा होगा। ओए साउंड, ओए चलो मुझे लेके जल्दी चलो। हो भाई ये रहा साउंड, शेर का साउंड है। ओ कितना खतरनाक साउंड है, चिड़िया प्यारी सी चिड़िया। चले सालम साउंड लगा रखे हैं। गाइस केव से बाहर आ चुके हैं, यहाँ भी दिमाग खराब हो गया, कुछ भी ढंग का नहीं मिला। बस केव नाम की बना रखी है और कुछ है नहीं इसमें खास, टाइम वेस्ट है। अगर आप लोग प्लान करो ना नैनीताल आने का, माँ की कसम कभी मत आना इसकी माँ। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नैनीताल,
जहाँ जहाँ हमें घूमना था हम घूम लिया, आपने देखा हो कितनी प्यारी प्यारी जगह घूमने गए थे, ठीक है। गाड़ी वगैरह जो हमने रेंट पे ली थी वो कर दी हमने वापस। अब हम लेक के किनारे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। लेक दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर बोटिंग वगैरह हो रही है। ये सामने लेक है, आइसक्रीम खा रही है। मजा आया ना आज बहुत ज्यादा। गाइस मुझे सच सच बताना कौन कौन नैनीताल आया, मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। और अगर आप लोग नैनीताल आए हो ना, अब मुझे ये बताओ तुम करने के आए हो यहाँ पर। इसकी माँ का इतनी गंदी जगह है ना, इसकी पता नहीं क्यों आ गया मैं आपके आगे। हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ो, कभी नैनीताल मत आना बस। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाना, बस नैनीताल मत आना। इससे बाहिया और घटिया जगह मैंने आज तक नहीं देखी। गाइस एक चीज और बताना भूल गया मैं आप लोगों को, अगर आप लोग आओगे ना इधर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के महीने में ये पीक होता है, ठीक है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो आप लोग होटल लोगे ना यहाँ पर 3,000-3,500-4,000 इससे ऊपर ही मिलेंगे, इससे नीचे तुम्हें कोई होटल नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना अगर आना चाहोगे, ठीक है। गाइस घूम लिया हम यहाँ आसपास थोड़ा सा, अब जा रहे हैं सीधा होटल की तरफ। और यहाँ थोड़ा सा व्यू दिखाया था आपको, ये मस्जिद है। और ये इधर देखो मौसम प्यारा हो रहा है काफ़ी। और ये है पार्किंग, आप लोग गाड़ी वगैरह लेकर आओगे तो यहाँ पार्किंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले होटल की बुकिंग होनी चाहिए तभी आ पाओगे यहाँ पर। यहाँ बहुत गलत सीन है, मतलब आ नहीं मत यार यहाँ पे, ठीक है। गाइज फाइनली हम बैक टू होटल आ चुके हैं और इस ब्लॉग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका है तुम्हारा भाई। तो मुझे नहीं लगता इस ब्लॉग में कुछ और दिखाना चाहिए आप लोगों के लिए, मन नहीं है। और बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिली गई है ना कि क्या करना है नैनीताल में। तो अगर दिमाग से सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तभी नैनीताल आना, वेस्ट कर लेना आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम चाहते हो बढ़िया बजट में ट्रिप हो तो नैनीताल छोड़कर कहीं चले जाना, कहीं भी घूम लेना, मज़ा आएगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन नैनीताल आओगे तो रहोगे ज़िंदगी को लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा रहोगे मेरी तरह। हाँ मैं मानता हूँ मेरे को नहीं पता कहाँ का लोकेशन है, लेकिन तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी, मतलब मैप में डाल डाल कर ढूंढी अच्छी अच्छी लोकेशन, क्या क्या लोकेशन होती है बढ़िया बढ़िया सब देखी, नहीं मिली भाई नहीं मिली। तो आप लोगों को लग रहा है कि मजाक कर रहा हूँ मैं, इसको तो कुछ मिला ही नहीं है बना रहा, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस बोल रहा है, नैनीताल में कुछ है ही नहीं आपके लिए, सच बता रहा मैं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, सिर्फ मौसम का मजा लेना चाहते हो तो आ जाओ और एंजॉय करो, चले जाओ, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग से अब अलविदा लेता हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।